बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो अपनी बात स्टार्ट की थी, जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, वो था न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था लास्ट टाइम कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और एक होता है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो था उसमें भी फर्दर जो है थ्री जो फार्मूलाए थे हमने डिस्कस किए थे, उनमें से फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, व्हेन आस्क्ड अबाउट थर्ड डेरिवेटिव तो वो कैसे फाइंड करना। और ये हमने लास्ट में बात की थी कि जो न्यूटन्स के जो दोनों फार्मूले हैं, एक फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये फॉर इक्वल इंटरवल यूज होते हैं। तो हमने न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो था वो भी फर्दर थ्री जो है पार्ट्स में था, मतलब थ्री डिफरेंट डिफरेंशिएशन के लिए। अगर सिंगल डिफरेंशिएशन के लिए पूछा जाए तो वो क्या है, डबल के लिए पूछा जाए तो वो क्या है, अगर थर्ड डेरिवेटिव के लिए पूछा गया तो वो क्या है, ये हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तीनों के टोटल सिक्स जो है ना फार्मूलाज बनते हैं। और उसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल भी की थी। एग्जाम्पल में हमने जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया था एक फंक्शन का, और हमने उसको किया था यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो अब दो एग्जाम्पल्स रह गई थी जो मैंने करानी थी, वो आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक थी कि न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम यूज करेंगे, और एक अगर कोई इंटरमीडिएट क्राइटेरिया पूछ लिया जाए, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी इंटरमीडिएट वैल्यू पे पूछ ली जाए, जो क्लास में डिस्कस भी की थी, बताया भी था कि वो कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करें। सो टॉपिक का जो नाम है वो है न्यूमेरिकल, ये बहुत डिटेल में हम ये लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल नंबर टू करेंगे। एग्जाम्पल वन हम कर चुके हैं जिसमें हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज किया था। जो हम एग्जाम्पल टू करेंगे उसमें भी न्यूटन्स फॉरवर्ड ही करेंगे, लेकिन वो किसी इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए करेंगे। जैसे कि लेट्स पोज क्वेश्चन है, फाइंड प्राइम ऑफ एक्स। प्राइम ऑफ एक्स क्या है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। ये लेक्चर सुनने से पहले वो पिछली चीजें देख लेनी जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स। गिवन क्या है हमारे पास, एक्स और वाई गिवन। x है 4.5, फाइव पॉइंट फाइव, सिक्स पॉइंट फाइव, सेवन पॉइंट फाइव। y की वैल्यू क्या है, 9.69, 4.5 पे 9.69, 5 पे 12.9, 5.5 पे 16.71, 6 पे 21.18, 6.5 पे 26.37, 7 पे 32.34 एंड 7.5 पे 39.1। हमने 6 पे जो है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू क्या हो, 6 हो। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि न्यूटन्स फॉरवर्ड
इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करना है या न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करना है। अब पहली बात, अगर पूछा जाता कि फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव, हमने तीन ही किए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव, तीनों फार्मूलाज को डिस्कस किया था जो आपके पास लिखे भी हो। अगर पूछा जाता है कि फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 4.5, अगर इसको पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर वो स्टार्ट वाली वैल्यू पे एक्स की पूछेगा फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव, तो हम यूज करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, अगर 4.5 पे पूछता, ऑब्वियस सी बात है ये चीज पता होनी चाहिए, यहाँ लिखा नहीं जाएगा। अगर वो पूछता कि फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 7.5 लास्ट वाली वैल्यू पे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और अगर किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पे पूछ लिया जाए लाइक 5.5, जैसे कि इस क्वेश्चन में 6 पे पूछा, तो इसमें आपके पास चॉइस है, या तो आप न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज कर लो या फिर न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज कर लो, लेकिन बेस्ट जो फार्मूला है वो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो आपने, आपको जब भी किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पे पूछा जाए लाइक 6 पे पूछ लिया गया या 6.5 पे होता, 7 या 5.5 पे भी, 5 पे भी, तो आपने यूज करना था न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगर फर्स्ट वैल्यू पे पूछा जाएगा लाइक 4.5 पे, तो न्यूटन्स फॉरवर्ड ही होगा, और अगर लास्ट वैल्यू पे पूछा जाएगा तो न्यूटन्स बैकवर्ड। इंटरमीडिएट वैल्यूज जो है ये, इनमें से किसी वैल्यू पे पूछा जाए तो आपके पास चॉइस है, या तो न्यूटन्स फॉरवर्ड यूज कर लो या न्यूटन्स बैकवर्ड यूज कर लो, लेकिन जो ज्यादा प्रेफर्ड है, जो ज्यादा यूज किया जाता है, या आप करो वो करो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में 6 पे पूछा गया, ठीक है, तो मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ, मेरे पास दोनों चॉइसेस है, मैं यूज करूंगा न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, आपको खुद पता होना चाहिए, अगर वो फर्स्ट वैल्यू पे पूछता है तो न्यूटन्स फॉरवर्ड, लास्ट पे पूछता है तो न्यूटन्स बैकवर्ड। खैर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अब मेंशन नहीं है किसे करना है। अच्छा, ये एक चीज दोबारा मैं बता दूं कि ये देखो इंटरवल जो है इक्वल है 4.5 to 5, 5.5 to 6, 6.5, 6.5 to 7, 7 to 7.5, so, ये यूज भी इक्वल इंटरवल्स के लिए होता है। तो जैसा कि पहले भी हमने देखा था, हम क्या करते हैं टेबल बना लेते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव इसने पूछा है, तो मैंने आपको तीन जो है ना फार्मूलाज लिखवाए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव का, सेकंड डेरिवेटिव का, थर्ड डेरिवेटिव का। क्योंकि इसने फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है तो हम कौन सा यूज करेंगे फार्मूला, हम यूज करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो मैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव का पहले फार्मूला लिख देता हूँ, वो क्या था, डी वाई बाय डी एक्स, ये आपके पास लिखे हुए थे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, सेकंड नहीं है तो इसलिए एक ही फॉर्मूला लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाय एच। अब फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में हम डेल्टा ये वाला यूज करते हैं, अगर बैकवर्ड होता तो इस तरह डेल्टा लिखते हैं। ठीक है, नोटेशन ये भी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, डेल वाई नॉट माइनस 1/2 डेल स्क्वेयर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल वाई नॉट क्यूब माइनस 1/4 डेल वाई नॉट और सिमिलरली आगे प्लस 1/5 देन माइनस 1/6 6 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला था फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब x नॉट क्या होगा, x इज इक्वल टू x नॉट, जिस वैल्यू पे हमें डेरिवेटिव
जिस फंक्शन की वैल्यू पे हमें डेरिवेटिव पूछा गया, तो हमें किस पे पूछा गया, सिक्स पे, तो मेरा एक्स नॉट क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसका मेन क्रक्स क्या था, न्यूटन्स फॉरवर्ड या न्यूटन्स बैकवर्ड का टेबल। तो हम आते हैं अपना टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं जी। टेबल कैसे बनाते थे, सबसे पहले यहां लिखेंगे एक्स वाई, एक्स हो गया वाई, देन डेल वाई, देन डेल स्क्वेयर वाई, देन डेल क्यूब वाई। इस तरह हम चलते जाएंगे जब तक हमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाती। ठीक है, तो अभी मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जाता है हमारा टेबल। ये हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्स की क्या वैल्यू गिवन थी, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 एक्स की वैल्यू गिवन थी। उसके बाद जब 4.5 थी एक्स की वैल्यू, तो ये कितनी थी, 9.69, ये 12.90, देन 16.71, देन 21.18, ये थी 26.37, देन 32.34, देन 39.15, ये हमें गिवन है। बता चुका हूँ डेल वाई क्या होता है, डेल वाई होता है ये डिफरेंस, 12.9 माइनस 9.69, ये बनेगा 3.21। यहाँ पे लिख दिया 3.21, देन 16.71 माइनस 12.90, ये बन गया 3.81। दोबारा इसको सही करके लिख लेते हैं, कितना आया था, 3.21, ये आया था 3.81, देन 21.18, 16.71, इनका डिफरेंस ये आता है 4.47, देन 26.37 माइनस 21.18 ये आता है 5.19। And 32.34 minus 26.37, ये आता है 5.97। And 39.15 minus 32.34, ये आता है 6.8। ठीक है, ये डेल वाई हो गया, डेल स्क्वेयर वाई क्या होगा, अब इनका डिफरेंस, ठीक है, 3.81 माइनस 3.21, ये कितना आएगा, 0.60। देन 4.47 माइनस 3.81 ये आएगा 0.66। देन 5.19 माइनस 4.47 ये आएगा 0.77, 0.72, then 5.97 minus 5.19 ये आएगा 0.78। then 6.81 minus 5.97 ये आएगा 0.84। ठीक है, अब आते हैं डेल क्यूब वाई पे, ये क्या होगा, ये इनका डिफरेंस होगा,
और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 0.06। देन ये डिफरेंस ये भी कितना आ गया, 0.06। 0.78 माइनस 0.72 ये भी कितना आ गया, 0.06। 0.84 माइनस 0.78 ये कितना आ गया, 0.0। सारे 0.06, 0.06 आगे, मतलब आगे सब जीरो ही होगा। अब डेल 4y क्या होगा, इनका डिफरेंस न्यू 0. माइनस 0.06 माइनस 0.06 ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इस माइनस ये भी जीरो हो गया, तो मतलब आगे सब जीरो आएंगे। खैर लिख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यहाँ तक ही यूज होगा ये वाला। उसका रीजन ये, आगे सब जीरो हो गया तो फैक्टर सब जीरो कर देगा उसको। खैर लिख लेते हैं, डेल 5y ये क्या होगा, इसमें से ये माइनस किया फिर जीरो आ गया, इसमें से ये माइनस किया फिर जीरो आ गया, जीरो जीरो। फिर आएगा ये आगे सारा जीरो है, जस्ट समझाने के लिए लिखा हूँ, और लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। डेल 6y, अब डेल 6y क्या होगा, ये आ गया जीरो। ठीक है, तो वैसे अगर जीरो ना आता तो हमने ये कहाँ तक प्रोसेस करना था, जब तक हमें ये सिंगल एक टर्म ना मिल जाए, वो डेल 7y पे मिले, डेल 8 पे या डेल 9 पे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जहाँ पे ये सिंगल टर्म मिले। लेकिन हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मैक्सिमम डेल 6y तक ही होंगे, हमने जो फार्मूला जो मैंने लिखवाए थे वो भी डेल 6y तक ही लिखवाए थे, इतने ज्यादा हम टर्म्स का नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया जी मेरे पास टेबल। अब जो फार्मूला अभी मैंने पीछे लिखा था, अगर वो आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखा हुआ है तो उस फार्मूले में देखो क्या क्या था। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एच। एच क्या था, एच ये डिफरेंस था, 5 माइनस 4.5 या 5.5 माइनस 5, क्योंकि हम इक्वल इंटरवल्स के लिए काम कर रहे थे, तो जो एक्स इंटरवल्स का डिफरेंस है वो एच होता है, तो वो कितना डिफरेंस है, वो 0.5 का डिफरेंस है, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ले रहे हैं ना, 7.5 माइनस 7.5 या 6.5 माइनस 6, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स हैं, तो एच क्या होता है, एक्स जो मेरे पास इंटरवल होता है उसका डिफरेंस कितना होता है, सो 0.5, एच हो गया 0.5। उसके बाद आगे फार्मूला में आप देखो, हमें चाहिए एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट मेरा क्या था, 6। एक्स नॉट क्या, 6 पे फाइंड करना है ना, यानी ये जो है मेरा, ये मेरा क्या है, एक्स नॉट। ठीक है, तो मेरा वाई नॉट क्या होगा, यही 6 के सामने वाली जो वैल्यू, 6 के अगेंस्ट वाई की वैल्यू क्या थी, 21.18, ये हो गया मेरा वाई नॉट। अच्छा, अब मेरा डेल्टा वाई नॉट, क्योंकि फॉर्मूला जो देखो उसमें था डेल्टा वाई नॉट, मेरा डेल्टा वाई नॉट क्या होगा, गौर करना, ये ऊपर से एक्स की कौन सी वैल्यू बनती है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एक्स की कौन सी वैल्यू बनती है, फोर्थ। ये भी वाई की कौन सी वैल्यू बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो डेल वाई नॉट क्या होगा, ऊपर से फोर्थ वैल्यू, यानी ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली, ये मेरा होगा जो फोर्थ मेरी टर्म है डेल वाई की, वो होगी मेरी डेल वाई नॉट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डेल वाई नॉट। अच्छा जी, उसके बाद डेल स्क्वेयर वाई नॉट है फॉर्मूला में, वो क्या होगा, वो भी ऊपर से फोर्थ टर्म, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाली टर्म, 0.78। ठीक है, सो 0.78 होगी मेरी डेल स्क्वेयर वाई नॉट। डेल क्यूब वाई नॉट क्या होगी, फोर्थ टर्म ऊपर से, फर्स्ट ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाली टर्म। ठीक है, आगे क्योंकि है ही सारा जीरो तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो मैंने जो यूज करना है यहाँ पे, ये मैंने बता दिया मैं क्या यूज करूंगा,
ये यू, ठीक है। अब सिंपल फार्मूला जो है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा, अगर न्यूटन फॉरवर्ड, हम क्योंकि पहली वैल्यू पे भी पूछा जाता है तो न्यूटन फॉरवर्ड लगाते थे ना, तो फर्स्ट वैल्यू पे मैं लास्ट टाइम बता चुका था, अगर पूछा जाता 4.5 पे क्योंकि फर्स्ट टर्म थी तो मैं ये वाली यूज करता, ठीक है। न्यूटन बैकवर्ड में सिर्फ क्या होगा, हम लास्ट वाली यूज करेंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएट किसी भी वैल्यू में पूछा जाए, तो अभी मैंने बताया कि x6 पे पूछा गया है तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं आगे, फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या था, dy/dx x=x0 = del y naught -1/2 del square y naught +1/3 del u y naught। आगे मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, आगे मेरी सारी टर्म 0-0 थी। सो dy by, क्योंकि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना था, वो f प्राइम ऑफ x लिख लो या dy/dx लिख लो, यानी मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं f प्राइम ऑफ x x = 6x0 मेरा, del y नॉट क्या था उस टेबल में भी मैंने बताया, सॉरी ये फार्मूला में एक चीज यहां पे मैं स्किप कर गया, यहां पे 1/h भी आएगा, 1/h भी आएगा। So 1/h की जगह क्या आ गया, 0.5, क्योंकि मेरा जो डिफरेंस था इंटरवल का वो 0.5 का था। उसके बाद l by naught है, ठीक है, इसकी जगह क्या वैल्यू आ गई, 5.19 उसी टेबल से देखिए अभी जो बताइए, ठीक है, -1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट की क्या वैल्यू आ गई उसी टेबल से देखी, अभी हमने देखी थी 0.78, देन +1/3 डेल क्यूब वाई नॉट की क्या वैल्यू थी उसी टेबल से भी देखी 0.06, आगे सब जीरो था। ये जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप से उसने फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा था, जो फाइनल आंसर आएगा 9.64। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स एट x = 6 किसके इक्वल आएगा, 9.6। क्वेश्चन की मैं पूछा भी यही गया था कि फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एट x = 6, आपको x और y की वैल्यूज गिवन थे, तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये अगर आपसे सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाता, टेबल वही था, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, आपने उस फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी उसी टेबल से देख के। थर्ड डेरिवेटिव भी पूछा जाता, टेबल वही था, फार्मूला चेंज था, सिर्फ वही फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी आपने। सो ये था आपका, आपकी एग्जांपल नंबर 2। अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल में हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि फाइंड, एग्जांपल 3 है, फाइंड dy/dx है फर्स्ट डेरिवेटिव, d²y/dx² ये क्या है सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि ये क्या है f डबल प्राइम ऑफ x, ये क्या है f सिंगल प्राइम ऑफ x,
फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1.6, ठीक है, गिवन दैट टेबल गिवन है एक्स और वाई, एक्स 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 and 1.6, ठीक है। अब 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू गिवन है वो है 7.989, के अगेंस्ट है 8.40, 1.2 के अगेंस्ट है 8.78, 1.3 के अगेंस्ट है 9.12, 1.4 के अगेंस्ट है 9.459, 1.5 के अगेंस्ट है 9.750, 1.6 के अगेंस्ट है 10.03, 1, ये गिवन है। आपने क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। अब मुझे कैसे पता चला जी, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है, ऐसे पता चला कि x इज इक्वल टू 1.6 पे पूछा है, 1.6 का लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू पे जब भी पूछा जाएगा न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट वैल्यू पे पूछा जाता तो न्यूटन्स फॉरवर्ड, इंटरमीडिएट वैल्यू किसी पे पूछा जाता तो आपकी मर्जी थी, तो आप न्यूटन्स फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हो, न्यूटन्स बैकवर्ड भी यूज कर सकते हो। सॉल्व करते हैं इसको, सेम मेन इसमें टेबल है, फार्मूला आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो एंड पे मैं लिख दूंगा दोबारा। सो टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x आएगा वो y, क्योंकि न्यूटन्स बैकवर्ड में मैंने बताया था हम डेल्टा को उल्टा करके यूं लिखेंगे डेल्टा, ताकि पता चल जाए ये मेरा न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। सो ये डेल y डेल स्क्वेयर y डेल क्यूब y, इस तरह मैं भी लिखूंगा। वैसे मुझे पहले साथ साथ सॉल्व करना चाहिए ताकि मुझे पता चल जाए कि कहां तक मैं आगे जाऊंगा। डेल 4y डेल 5y मैक्सिमम लिमिट है जो मैंने आपको यहां तक फॉर्मूला लिखा है वहां तक चलो लिख लेते हैं, बाकी रिमूव कर देंगे अगर वहां तक कांस्टेंट टर्म में एक ना मिली। अब x की क्या क्या वैल्यूज की गिवन थी, x था 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6, y की वैल्यूज क्या आती 7.89, 8.403, 9.124, 9.145, 9.751, 9.751, 9.751, 9.75, 10.031। डेल वाई वही चीज है, डेल वाई का डिफरेंस 8.403 - 7.989 इतना आएगा, ये आएगा 0.414, 8.71781 - 8.403 आएगा 0.414,
378। ये डिफरेंस है, इसके बाद इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है और इसका डिफरेंस है। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्या क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, ये आ गया 0.348, देन 0.322, देन 0.299, देन 0.281। उसके बाद एल स्क्वायर वाई क्या है, ये डिफरेंस। ठीक है, ये कितना आता है, -0.036। ये वाला डिफरेंस ये आता है -0.03। फिर आगे इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ जो आंसर आता है, ये आएगा -0.026, ये आएगा -0.023, और ये आएगा -0.018। देन डेल क्यूब बाय ये डिफरेंस, डिफरेंस आता है 0.006। देन ये डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, जो भी वैल्यूज आती है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आएगा 0.004, नीचे आएगा 0.003, ये आएगा 0.00। उसके बाद डेल फोर वाई क्या होगा, ये डिफरेंस क्या आता है, -0.002। ये डिफरेंस, फिर ये डिफरेंस, ये आएगा -0.001, और ये आएगा 0.002। उसके बाद डेल फाइव बाय क्या है, ये डिफरेंस ये कितना आ गया, 0.001। और ये डिफरेंस ये कितना आ गया, 0.003। कैसे एक करके बता भी देता हूँ, ये कैसे आया देखो, 0.002 माइनस, और वो माइनस ऊपर वाला 0.00, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.002 प्लस 0.001 0.003 बनता है। अच्छा, डेल सिक्स वाई क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 0.003 माइनस 0.001, ये कितना आ जाएगा, 0.002। ये मैंने ऑलरेडी डेल सिक्स वाई तक लिख लिया था, इस लाजमी नहीं है कि डेल सिक्स वाई तक जाएगा, जहां पे ये कॉन्स्टेंट मिल जाए, और डेल थ्री वाई पे मिल जाए, या डेल फोर वाई पे मिल जाए, डेल फाइव वाई पे मिल जाए, आपने वहां पे इसको खत्म कर देना, क्योंकि मजीद तो कोई टर्म होगी ना जिसका डिफरेंस लिया जा सके, दूसरी टर्म्स के साथ अवेलेबल नहीं होगी। अब ये डिफरेंस क्या है, न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड में, एक तो डिफरेंस ये है कि आपने सिर्फ ये जो डेल है इसमें न्यूटेशन के लिए आपने उल्टा यूज करना है, उसमें आपने डेल का सिंबल यूं यूज करना है फॉरवर्ड में। ठीक है, सॉरी, यूं यूज करना है, ठीक है, फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए ये नोटेशन। उसके बाद फॉरवर्ड में आप क्या करते थे कि आप ने अगर वन पे फाइंड करना है तो आप ये वाला आप लेते थे ना, सारा फर्स्ट वैल्यू लेते थे। अब इसमें आपने किस पे फाइंड करना है, लास्ट वैल्यू पे फाइंड करना है, यानी इस पे फाइंड करना है, यानी ये मेरा एक्स नॉट हो जाएगा, और इसके अगेंस्ट वैल्यू ये क्या हो जाएगी, वाई नॉट। अब क्योंकि एक्स और ये वाई की लास्ट लास्ट वैल्यू है, तो डेल वाई की भी लास्ट वैल्यू लूंगा, डेल स्क्वायर वाई की भी लास्ट वैल्यू लूंगा, ये भी लास्ट वैल्यू, ये भी लास्ट वैल्यू, ये भी लास्ट वैल्यू, और ये भी लास्ट।
तो ये मेरा क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूले में x इक्वल टू एक्स एन था, एक्स एन इज द लास्ट वैल्यू, तो ये एक्स एन होगा, ये वाई एन होगा, ये क्या होगा डेल वाई एन, ये क्या होगा यानी डेल एन, ये क्या होगा डेल स्क्वायर वाई एन, सिमिलरली डेल क्यूब वाई एन, डेल फोर वाई एन, डेल फाइव वाई एन एंड डेल सिक्स वाई एन, क्योंकि आपने 1.6 पे फाइंड कर दिया, तो मैंने ये टेबल ये लास्ट कर दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला जो होगा उसमें ये वैल्यूज मैंने पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं फॉर्मूला पर, ये जीरो है, अच्छा जी। अब न्यूटन्स आपके पास लिखा पड़ा होगा फॉर्मूला, जो न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला है टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, वो क्या है, डी वाई बाय, फर्स्ट डेरिवेटिव को भी फाइंड करना था ना, पहले वो कर लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एक्स एन, क्योंकि बैकवर्ड है लास्ट वैल्यू हम फाइंड कर, वन डिवाइडेड बाय एच डेल वाई एन प्लस वन बाय टू डेल स्क्वायर। इसको फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले से मिक्स नहीं करना, थोड़ी सी चेंजिंग है दोनों फॉर्मूला में, वो जरा गौर से देख लेना, ये डेल क्यूब वाई एन, क्योंकि डेल सिक्स तक जा रहा है, मुझे फॉर्मूला डेल सिक्स तक लिखना पड़ेगा, डेल फोर वाई एन, ठीक है। फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला में क्या फर्क था, एक तो ये साइन इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, बैकवर्ड में उसमें एक पॉजिटिव था फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, और दूसरा यहाँ पे डेल जो हम यूज करते हैं वो नोटेशन के लिए हम उल्टा डेल यूज करते हैं, और दूसरा वहां पे हम वाई नॉट यूज करते थे, यहाँ पे हम वाई एन यूज करते हैं, लास्ट वन बाय फाइव वाई एन प्लस वन बाय सिक्स वाई एन प्लस आगे सो, क्योंकि मेरा काम डेल सिक्स तक ही है। उसके बाद अब वैल्यूज पुट कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू एक्स एन, क्या था मेरा एक्स एन 1.6 जिसमें मैं फाइंड कर रहा हूँ, इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय, अब एच क्या है मेरा, ये एच है, इनका डिफरेंस कितना डिफरेंस है, ये इंटरवल का 0.1 का डिफरेंस है ना, 1.1 1.2 डिफरेंस कितना है 0.1, ठीक है। तो एच की जगह आ जाएगा 0.1, देन डेल वाई एन क्या होगा मेरा, डेल वाई एन ये होगा 0.281, तो यहाँ पे आ गया 0.281 प्लस वन बाय टू डेल स्क्वेयर वाई एन, सो डेल स्क्वेयर वाई एन क्या है 0.-0.018, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.018 प्लस 1/3 डेल क्यू वाई एन, डेल क्यू वाई एन की जगह क्या आएगा ये 0.005 0.005, फिर प्लस 1/4 डेल फोर वाई एन, डेल फोर वाई एन की जगह क्या आएगा ये 0.002, यहाँ पे आ गया 0.00 प्लस 1/5 डेल फाइव वाई एन, डेल फाइव वाई एन की जगह क्या आएगा 0.003 0.003
लास्ट था प्लस 1/6, क्योंकि मेरा वन डेल सिक्स तक खत्म हो रहा है, तो ये मेरे लिए लास्ट है। डेल सिक्स वाई एन, तो डेल सिक्स वाई एन की जगह क्या आएगा, जीरो, वो है ही टर्म जीरो। ठीक है, तो ये आ गया। जब इसको ओवरऑल आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का, यानी डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1.6, वो कितना आएगा, 2.751। ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 2.751। अब उसने साथ एक और चीज पूछी थी कि सेकंड डेरिवेटिव भी बताओ, यानी डी स्क्वेयर वाई अवर डी एक्स स्क्वेयर भी बताओ। डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इसका क्या सेकंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला था, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर, ये आपके पास लिखे पड़े हैं फॉर्मूले, डेल स्क्वेयर वाई एन प्लस डेल क्यूब वाई एन प्लस 11/12 डेल 4 बाय एन प्लस 5/6 डेल 5 बाय एन प्लस 137 डिवाइडेड बाय 180 डेल 6 बाय प्लस आगे डेल सिक्स तक काम है, डेल सिक्स भी नहीं, वो भी जीरो है। ठीक है, तो बस आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स एन की जगह क्या आ जाएगा, 1.6, एच क्या था 0.1, कर लेते हैं वैल्यूज पुट। तो डी वाई डी स्क्वायर वाई अवर डी एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू 1.6 इज इक्वल टू 1 अवर h स्क्वायर था, h की जगह आ गया 0.1 का स्क्वायर, डेल स्क्वायर y n था ना, डेल स्क्वायर y n की जगह क्या आएगा, एक दफा दिखा देता हूँ दोबारा, ये है ना डेल स्क्वायर y, ये डेल स्क्वायर y है, तो उसकी जगह क्या आएगा, ये 0.-0.018, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.018, फिर था डेल क्यूब वाई एन प्लस, तो उसकी जगह आ गया 0.005 उसी टेबल से, फिर था प्लस 11/12 डेल फोर वाई एन, डेल फोर वाई एन क्या था 0.002, फिर था प्लस 5/6 डेल फाइव वाई एन, डेल फाइव वाई एन की जगह क्या था 0.003, और लास्ट पे था प्लस 137 डिवाइडेड बाय 180 डेल सिक्स वाई एन, अच्छा डेल सिक्स वाई एन जीरो नहीं था, 0.002 था। यहाँ पे करेक्ट कर लो, ये आएगा 0.002, ये 0.002 है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या पुट करोगे, इस जगह भी 0. ये इसको रेक्टिफाई कर लेना, 0.002 पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली
आंसर वही रहेगा, ठीक है, आंसर यही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 0.002 आएगा, ये करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये जीरो नहीं था, ये 0.002 था। नेक्स्ट, अच्छा 0.002 जब इसको आप सॉल्व करोगे ओवरऑल, तो आपके पास जो आंसर आएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, एक्स इज इक्वल टू 1.6, वो आएगा 0.7415। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर थर्ड डेरिवेटिव पूछा जाता, बस आपने फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट करनी थी। तो ये था जी न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसमें वो चीज आपने सेट कर लेनी है, ठीक है। ये जो गलती हुई यहाँ पे 0.002 है, तो यहाँ पे भी 0.002 आएगा, ठीक है, आंसर यही रहेगा। और ये जीरो नहीं है, 0.002, ठीक है। सिर्फ ये एक टेबल है जो आपने बनाना है, ख्याल रखना है दोनों के डिफरेंसेस का, ख्याल रखना है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डिफरेंस क्या है। ये हमारा जो टॉपिक था न्यूमेरिकल डिफरेंसिएशन, ये खत्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे। Thank you so much.